हेलो फ्रेंड्स वेलकम मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर एकर चैनल में और जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि मैं आपके जो अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट्स हैं किसके क्लर्क के तो उसके मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं पचास के पचास प्रैक्टिस सेट तो आज मैं आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ ठीक है तो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये आपको इस चैनल के अलावा दूसरा जो हमारा चैनल है इसी का आर्मी वाई पेपर है कर, उस पर भी मिलेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां जाके देख लें आप ठीक है तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट ठीक है खंड एक खंड एक में पच्चीस क्वेश्चन होंगे और पच्चीस क्वेश्चन किसमें होंगे खंड दो में ठीक है पहला क्वेश्चन है हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ था तो ऑप्शन दे रखा है हमें 21 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 30 जनवरी 1950 तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है सी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही है कब हुआ था 26 जनवरी 1950 और इसी दिन आपका क्या मनाया जाता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्या मनाया जाता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इस समय हमारे पहले जो राष्ट्रपति वो कौन बने थे वो बने थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पतन नगर कौन सा था यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो कौन सा था ऑप्शन है हमारा हड़प्पा बी ऑप्शन है हमारा रोपड़ सी ऑप्शन है हमारा लोथल और डी ऑप्शन है हमारा बनावली क्या था बनावली तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सी ऑप्शन कौन सा सी ऑप्शन लोथल कौन सा लोथल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है ऑप्शन ए है हमारा पेरू बी है हमारा वेटिकन सिटी सी है हमारा मालदीव और डी है हमारा यूक्रेन तो कौन सा वाला सही है इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी यानी कि वेटिकन सिटी और बात कर लें छोटे के साथ बड़े की भी तो सबसे बड़ा देश कौन सा है तो सबसे बड़ा देश है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से रशिया कौन सा रशिया ठीक है दूसरा कौन सा है दूसरा है हमारा कनाडा। कौन सा कनाडा और तीसरा जो हमारा है वो चाइना ये को? ये जो टॉप थ्री है ये क्या है बड़े हैं क्या है बड़े देश हैं और सबसे छोटा देश कौन सा हमारा वेटिकन सिटी ठीक है रेमन मैक्से पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे यानी कि रेमन मैक्से जो एक पुरस्कार होता है उसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे ए ऑप्शन है हमारा टी एन बी है विनोबा भावे सी है इंदिरा गांधी डी है ऐश राधा कृष्ण कौन है ऐश राधा कृष्ण तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा सही होने वाला है बी कौन है बिनोवा भावे ठीक है और बात करें तो इसको क्या बोलते हैं इसको एशिया का नोबल पुरस्कार भी बोलते हैं किसको जो रेमन मैक्से पुरस्कार है इसको नोबल प्राइज ऑफ एशिया क्या बोलते हैं इसको एशिया का नोबल प्राइज भी बोलते हैं यह किसे दिया जाता है ये किसी कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है एशिया के अंदर सिर्फ एशिया एशिया में ठीक है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी ए ऑप्शन है हमारा 1 अगस्त 1942 बी ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1944 सी ऑप्शन है हमारा 24 अक्टूबर 1945 और डी ऑप्शन है हमारा 1 दिसंबर 1946 तो कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यह हुई थी हमारी 24 अक्टूबर 1945 को मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है इसका मुख्यालय हमें देखने को मिलता है न्यूयॉर्क में कहाँ मिलता है न्यूयॉर्क में और इसमें टोटल देश कितने हैं टोटल देश कितने हैं 193 कंट्रीज हैं कितनी 193 कंट्रीज हैं और जो लास्ट कंट्री है वो कौन सी है हमारी वो है दक्षिणी सूडान कौन सी है दक्षिणी सूडान ठीक है नेक्स्ट है हमारा अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रा रेडिड रेज क्या है ए अनुदयधरीय तरंगे बी अनुप्रस्थ तरंगे सी यांत्रिक तरंगे या फिर डी विद्युत चुंबकीय तरंगे तो क्या आप कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है इसमें इसमें हमारा ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन नंबर डी अवरक्त किरणें जिनको हम बोलते हैं इंफ्रा रेड रेज इनको क्या बोलते हैं इंफ्रारेड रेज ये क्या है ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा डायनेमो परिवर्तित करता है यानी कि जो डायनेमो होता है वो परिवर्तित करता है ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को प्रकाशी ऊर्जा में या फिर इनमें से कोई नहीं तो डायनेमो का कार्य क्या होता है डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना क्या कार्य होता है डायनेमिक ऊर्जा को या सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना किसका काम होता है डायनमो का किसका डायनमो का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी कि चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें हमें बताना है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है ऑप्शन ए है हमारा हृदय बी है यकृत सी है अग्नाशय या फिर डी है अधिव्रक तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या होती है वो होती है हमारी यकृत क्या होती है यकृत होती है ठीक है यकृत यकृत क्या इसका काम क्या होता है यह जो है किसका पित्त रस जो होता है हमारा उसका क्या करती है श्रावण करती है यानी कि पित्त रस का श्रावण करती है ठीक है और वसा के पाचन में हमारी सहायता करती है ठीक है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है यानी गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी इनमें से गैस पाई जाती है तो ए ऑप्शन है हमारा क्लोरीन, बी ऑप्शन है एथिलीन सी ऑप्शन है मीथेन या फिर डी ऑप्शन है हाइड्रोजन तो गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है गोबर गैस में पाई जाती है मीथेन गैस कौन सी गैस पाई जाती है मीथेन मीथेन गैस अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो ये 60 से 80 परसेंट तक होती है गोबर गैस में बीथेन कितनी होती है साठ से अस्सी परसेंट तक इसको बायोगैस भी बोलते हैं और ये सबसे उत्तम ईंधन माना गया है क्या माना गया है सबसे उत्तम ईंधन ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ है यानि कि संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है ऑप्शन ए हमारा ऑर्थोपोड़ा बी है मोलस्का सी है एम्फीविया या डी है एनिलिडा ठीक है तो सबसे बड़ा जो जंतु संघ है वो है हमारा ऑर्थोपोड़ा कौन सा है ऑर्थो पोड़ा और जो ये मोलस्का है ये तीसरा सबसे बड़ा है और जो एनी है वो चौथा सबसे बड़ा जंतु संघ है ठीक है नेक्स्ट आ गया कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के अंतर्गत आते हैं यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं क्या क्या चीजें आती हैं तो ए हमारा ऑप्शन दे रखा है प्राइमरी मेमोरी बी दे रखा है कंट्रोल यूनिट सी दे रखा है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट या फिर डी उपरोक्त सभी तो इसके अंतर्गत ये सारी ही चीजें आती हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी सही 11 का डी ये सारी जो मेमोरीज़ हैं और कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी मेमोरी ये तीनों ही किसके अंदर का आती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू और सीपीयू को क्या कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है सीपीयू को ही कहा जाता है पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में ये आया था क्वेश्चन ठीक है चलिए डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है यानी कि इन चारों में से एक कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है प्रोसेस करते हुए यानी कि डाटा जो हमारे पास है उसको इंफॉर्मेशन के रूप में हम उसे कितने भी समय तक रख सकते हैं किसमें ए प्रोसेसर तो प्रोसेस करेगा तो प्रोसेसर तो कैसे भी नहीं होगा केस क्या होता है स्टाइल्स तो स्टाइल्स तो बदलने वाली होती हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कंप्यूटर हमारा सही ऑप्शन होने वाला है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है ठीक है चलिए नेक्स्ट आ गया माउस का कौन सा बटन सामान्यता ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है यानी कि माउस का कौन सा एक बटन है जिसके जिसके यूज जो है हम ओके करने के लिए करते हैं ए व्हील तो व्हील का यूज कब करते हैं हम अप डाउन करने के लिए दाया जब हमें मेनू चाहिए होता है तब हम दबाते हैं दाया वाया यही वाला हमारा सही ऑप्शन है जब हमें ओका ओके करना होता है तो हम कौन सा वाला माउस का बटन यूज करते हैं हम करते हैं बाया वाला कौन सा बाया वाला और बीच वाला इसका तो बीच का बटन ही नहीं होता बीच में क्या होता है व्हील होता है बीच में तो ठीक है नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है ठीक है वही आया अभी कंप्यूटर वाला ठीक है कंप्यूटर क्या करता है डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ही तो होता है तो कंप्यूटर का प्राथमिक सॉफ्टवेयर uh, का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा डाटा को सूचना में बदलना जिससे हम उससे कभी भी इंफॉर्मेशन ले सकें तो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूचना ठीक है नेक्स्ट है एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है यानी कि ये एक प्रोग्राम है इन चारों में से एक कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना जो कैसा हो जाता है आसान हो जाता है ऑप्शन नंबर ए है हमारा नेटवर्क बी है एप्लीकेशन सी है यूटिलिटी या फिर डी है ऑपरेटिंग सिस्टम तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक प्रोग्राम होता है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है ठीक है नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो मैथ का शुरू हो गया ठीक है अब आगे के जो दस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो कहां से मिलेंगे मैथ से मिलेंगे कह रहे हैं कि छह अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है यानी कि छह अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ठीक है जितने भी अंकों की हमसे पूछी जाएगी बड़ी संख्या उतनी बार हम नौ काउंट करके लिख देंगे ठीक है तो ये होगी हमारी छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या ठीक है अब हमें इस इसमें से एक पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है क्या बनाना है पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से बताने है कि की छह अंकों की अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी तो वर्ग इसका क्या करेंगे हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से ठीक है भाग विधि बता चुका हूं पहले भी सबसे पहले जोड़े बनाएंगे दो दो के पीछे से ठीक है तो एक जोड़ा ये बन गया हमारा एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया अब हम देखेंगे कि जो हमारा पहला जोड़ा है उसके पास का स्क्वायर कौन सा है उसके पास कौन सा स्क्वायर आएगा कम तो उससे पहले उससे ज्यादा नहीं बाद में नहीं उससे पहले तो देखने पे मालूम पड़ता है कि नौ का स्क्वायर कितना होता है इक्यासी होता है और दस का करेंगे तो सौ हो जाएगा तो सौ तो निन्यानवे से ज्यादा है तो क्या करेंगे नौ का स्क्वायर लिखेंगे तो एक नौ यहाँ पर लिखेंगे और एक नौ यहाँ पर लिखेंगे नौ का स्क्वायर कितना होता है एट्टी वन होता है कितना होता है एट्टी वन अब नीचे बढ़ने के लिए जिस संख्या का हम स्क्वायर करते हैं उसी संख्या को जोड़ देते हैं क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो ये हो गया हमारा अठारह कितना हो गया अठारह अब नौ में से एक गया बचा आठ और नौ में से आठ गया बचा एक अब यहां पे फिर से क्या करेंगे एक संख्या नहीं उतारनी हमें फिर से क्या और करना है पूरा का पूरा जो है हमें जोड़ा ही उतारना है दो संख्याओं वाला ठीक है अब इस अठारह में कितनी संख्या लगाएं कि उसकी उतने से ही गुणा करने पर इसके बराबर या फिर इससे थोड़ा सा कम मान हमें प्राप्त हो जाए ठीक है तो फिर से नौ से ही करते हैं ठीक है तो नौ यहां लिखा और नौ यहां लिखा ठीक है अब लिखेंगे एक सौ नवासी और ये कितने हो गए एक सौ नवासी अब एक सौ नवासी नेमा कितने होंगे ठीक है तो नौ नेमा कितने हो जाएंगे इक्यासी हो जाएंगे हासिल बचा आठ नौ अठे बहत्तर और आठ कितना हो गया अस्सी जीरो हासिल लगा आठ ठीक है फिर नौ एकम नौ और आठ सत्रह यानी कि कितना आ गया एक सौ नवासी नेमा कितना आ गया हमारा सत्रह सौ एक घटा लेंगे ठीक है नौ में से एक गया बचा आठ नौ का रहा नौ और आठ में से सात गया बचा एक अब कितना जाएगा ठीक है तो अब पहले यहां पर जोड़ के लिख लेते हैं ठीक है नौ और नौ कितना हो गया अठारह हो गया यहां पर नौ आ गया और यहाँ पर इतना ही रहा अब यहां पर थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है यहां पर लिख देता हूं मैं अब एक सौ अट्ठानवे हो गए हमारे पास संख्या अब यहाँ पर हम कितनी संख्या लिख कर उतने से ही गुणा करें और आगे वाला ये उतार लेंगे अब यहाँ पर कितनी संख्या लिख के हम कितने से गुणा करें कि हमें उतना ही मान क्या हो जाए प्राप्त हो जाए ठीक है तो नौ से ही फिर लिखते हैं ठीक है यहां पर भी नौ लिख दिया और यहाँ पर भी नौ लिख दिया यहाँ पर भी नौ लिख दिया अब चलिए गुणा करके देखते हैं तो नौनेमा कितना हो गया इक्यासी हो गया हासिल बचा एक नौ अठे बहत्तर और आठ कितना हो गया अस्सी हासिल लगा आठ नौनेमा इक्यासी और आठ कितना हो गया नवासी हासिल लगा आठ और नौ एकम नौ, एक नौ, एक नौ और आठ कितना हो गया हमारा सत्रह कितना हो गया सत्रह यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए तो नौ में से एक गया बचा हमारा कितना शेष बचेगा यहाँ पे यहाँ बचा आठ यहाँ बचा नौ और यहाँ ढाई ले लेंगे तो अठारह में से नौ गया बचा नौ और यहाँ आठ में सात गया बचा एक यानी कि हमारा जो शेषफल बचा है वो कितना बचा है उन्नीस कितना बचा उन्नीस अगर हम इस छः अंकों की संख्या में अगर उन्नीस सौ अट्ठान को घटा दें तो जो हमें क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी तो घटा देंगे भाई चलिए नौ में से आठ गया बचा एक यहाँ पर बच गया जीरो यहाँ पर भी बचा जीरो यहाँ पर बचा आठ और यहाँ पर नौ और यहाँ पर नौ तो ये कितनी आ गई हमारी संख्या तो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का मासा छ दे रखा है यानि कि पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे मासा दे रखा है छे और बोल रहे हैं कि लासा कितना है एक सौ आठ यदि एक संख्या कितनी है बारह हो तो दूसरी संख्या क्या करनी है हमें बतानी है करनी है बतानी है ठीक है तो फॉर्मूला होता है कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या का जो गुणनफल है वो बराबर होता है हमारे मासा गुणा लासा के ठीक है प्रथम संख्या कितनी है हमारी यानी कि पहली संख्या कितनी है बारह दूसरी संख्या को एक्स मान लें मासा कितना है 6 और ये लासा कितना है एक सौ आठ तो x की वैल्यू निकल आएगी छह गुणा एक सौ आठ पट्टी बारह बारह नेमा एक सौ आठ यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा फिफ्टी फोर कितना आ गया x बराबर आ गया हमारा फिफ्टी फोर ठीक है तो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि कितने समय में सत्तासी सौ पचास का साधारण ब्याज आठ परसेंट की वार्षिक दर से मूलधन का छे वटा पच्चीसवा हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है हम वो लिखेंगे हमें क्या दे रखा है मूलधन कितना सत्तासी सौ पचास ब्याज की जो दर है वो दे रखी कितनी आठ प्रतिशत और साधारण ब्याज कितना दे रखा है ये भी तो दे रखा है जो साधारण ब्याज है वो भी तो दे रखा है हमें जो साधारण ब्याज हमें दे रखा है वो क्या है वो है हमारा मूलधन का कितना छ बटा पच्चीस कितना छे बटा पच्चीस फॉर्मूला क्या होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे सौ ठीक है ब्याज कितना दे, दे रखा है हमें सत्तासी सौ पचास का 6 बटा पच्चीस कितना दे रखा है सत्तासी सौ पचास का 6 बटा पच्चीस बराबर सत्तासी सौ पचास मूलधन है हमारा दर कितनी है आठ है समय जो है वो हमसे पूछा गया है और बटे में कर देंगे सौ चलिए थोड़ी काटपीट कर लेते हैं सत्तासी सौ पचास से सत्तासी सौ पचास कट जाएंगे और पच्चीस से कम पच्चीस पच्चीस सौ का सौ और चार दूनी आठ और दो तिया छ यानी कि जो समय हमारे पास आ गया वो कितना आ गया तीन वर्ष निकल कर कितना आ गया तीन वर्ष तो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए तीन वर्ष ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चलिए ये बोल रहे हैं कि ई e तथा एफ मिलकर एक कार्य को दस दिनों में कर सकते हैं यानी कि ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को कितने कितने कर में करते हैं दस दिन में करते हैं यदि ई अकेला उसी कार्य को तीस दिनों में कर सकता है तो बताइए एफ अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा ठीक है तो ये तो दोनों मिलकर कर रहे हैं अगर हम ई और एफ का एक दिन कार्य निकालें तो कितना हो जाएगा ठीक है एक बटा दस दिन हो जाएगा और ई e अकेला कितने दिन में करता है ई e अकेला करता है तीस दिन में ठीक है अब अब हम क्या निकालेंगे अब निकालेंगे हम एफ का एक दिन का कार्य यानी कि एफ भी तो कुछ करेगा एफ भी तो जब ई अकेला कर पाता है तो एफ भी तो एक दिन का कार्य करेगा कुछ ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये निकालेंगे हम जो इन दोनों का एक दिन का कार्य है और ई अकेला जो करता है एक दिन में ई कितना करेगा एक दिन में एक बटे तीस ही तो करेगा ये इसको क्या करेंगे घटा देंगे ठीक है चलिए अगर एलसीएम क्या ले लिया हमने तीस ले लिया तो यहाँ पर तो हो गया थ्री और यहाँ पर कितना हो गया माइनस वन तो ये कितना आ गया हमारा दो बटा तीस यानी कि एक बटा पंद्रह यानी कि एफ का एक दिन का कार्य कितना है एक बटा पंद्रह और एफ अकेला कितना करेगा तो एफ अकेला जो करेगा एफ अकेला कार्य जो करेगा तो ये हो जाएगा एक बटा एक बटा पंद्रह दिन ठीक है तो ये तीसरा वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो एफ का कार्य कितना आ गया निकलकर एफ अकेला वो कार्य कितने दिन में करेगा पंद्रह दिन में करेगा कितने दिनों में करेगा पंद्रह दिन में करेगा ठीक है एक मोटर नौ सेकंड में सौ किलोमीटर चलती है यानी कि समय दे रखा है हमें कितना नौ सेकंड और चलती कितनी है सौ मीटर यानी कि दूरी दे रखी है कितनी सौ मीटर क्या पूछ रहे हैं चाल पूछ रहे हैं किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा ठीक है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय क्या होगा दूरी बटा समय दूरी कितनी दे रखी है हमें सौ और ये कितना है नौ अब क्या करेंगे हम अब इसकी गुणा हो जाएगी किससे अठारह बटे पांच से जब हम किसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तब तो ये कितना हो गया नौ एकम नौ नौ दूनी अठारह और पांच का करेंगे बीस से तो कितना हो गया बीस दूनी चालीस किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि चालीस किलोमीटर पर आवर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का जो मान दे रखा है वो पांच दे रखा है और हमसे मान पूछ रहे हैं किसका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का ठीक है तो क्या हो जाएगा तो हम इनके दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी यही इसमें हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए और बी इजल टू कितना हो गया पच्चीस हो गया कितना हो गया पच्चीस हो गया एक्स का कट गया वैल्यू ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा पच्चीस और ये माइनस का दो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो कितना आ गया सत्ताईस कितना आ गया सत्ताईस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया सत्ताईस आ गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर एक्स प्लस फाइव वाई इजिकल टू और x माइनस फाइव वाई इजिकल टू दे रखा है हमारा 16. कितना दे रखा है 16 तो दोनों ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई हमारी सेकंड अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा फाइव एक्स और ये फाइव बाई कट गया फाइव एक्स इजिकल टू कितना हो गया थर्टी कितना हो गया थर्टी तो x का मान निकल के कितना आ गया 6 अब x का मान कोई सी एक समीकरण में रख दीजिए ठीक है कोई सी भी एक समीकरण में उठा के रख दीजिए तो x का मान अगर हम इसमें रख दें दूसरी वाली में x माइनस फाइव बाई इजिकल टू सिक्सटीन तो x की वैल्यू कितनी है कितनी है छ माइनस फाइव वाई Equal to कितना हो गया ठीक है तो माइनस का फाइव बाई इजिकल टू ये इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का टेन ठीक है प्लस का टेन ही रहेगा ठीक है तो फाइव से टेन कट गया दो बार में तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू कितनी आ गई माइनस का टू ठीक है तो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई छः प्लस की और वाई की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की टू ठीक है अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये संख्याएं हमें दे रखी हैं कह रहे हैं इन संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए तो इसका एक तरीका होता है कि या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो आरोही क्रम में लिख लें या फिर अवरोही क्रम में लिख लें ठीक है तो हम इसको किसको इसको किस में लिख लें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं ठीक है तो सबसे छोटी कौन सी है हमारी इकतीस फिर कौन सी है हमारी तिरपन है फिर कौन सी है पचपन है फिर छप्पन है फिर उनसठ है फिर इकसठ है फिर क्या है 69 है। अब ये पूछ रहे हैं माध्यिका। माध्यिका मतलब बीच की टोटल कितनी संख्या है एक दो तीन चार पाँच छ सात यानी कि टोटल संख्या कितनी है सात सात के यानी बीचों बीच की संख्या तीन इधर होनी चाहिए और तीन उधर होनी चाहिए तो कौन सा वाली तीन किसके ये वाली हमारी माध्यिका क्या होगी ये वाली संख्या होने वाली हमारी माध्यिका फिफ्टी सिक्स नंबर तीन संख्या इसके इस तरफ है और तीन संख्या हमारी इस तरफ है ठीक है क्वेश्चन है यदि किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना हो यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात कितना है यानी कि अगर हम लिख लें कि आर वन अनुपात आर टू ये कितना है हमारा और अनुपात और रेशियो फाइव पूछ रहे हैं कि तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए चलिए ये क्षेत्रफल का अनुपात देख लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर अपॉन पाई आर टू स्क्वायर पाई से पाई हमारा चला जाएगा आर वन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है चार का स्क्वायर और पाँच का स्क्वायर तो कितना हो गया हमारा सोलह बटे पच्चीस तो रेशियो निकल के आ गया हमारा सिक्सटीन रेशियो ट्वेंटी फाइव तो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो बिल्कुल सही है कौन सा ऑप्शन नंबर ए ये आपका फॉर्मूला है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या पाई तथा ऊंचाई एच हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बेलन का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा टू पाई आर इंटू एच प्लस आर ठीक है अब हमारे भी खंड एक के जो है वो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं अब हमारा जो खंड आ रहा है वो कौन सा है खंड दो जिसमें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन किसके मिलेंगे हमें इंग्लिश के मिलेंगे किसके मिलेंगे इंग्लिश के मिले हुए चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 28 यानी कि 26 से लेकर 28 ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स वन ऑफ पार्ट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेंस एन एरर इंडिकेट द पार्ट विच हैज एन एरर यानी कि ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है और ये इसके चार पार्ट्स में तोड़ के दिया हुआ है इसमें से जो है हमारा एक एरर है कौन से पार्ट में है वो हमें बताना है तो so, सेंटेंस है मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली अब इरर देखेंगे तो मैनी अगर मैनी है तो यहां पर प्लूरल फॉर्म होनी चाहिए प्लूरल बर्ब ठीक है बिल्कुल है भैया मैनी है तो प्लूरल बर्ब है लेकिन मैनी के साथ क्या लगा हुआ है ए लगा हुआ है अगर मैनी के साथ ए लगा हुआ हो तो ये रेफर करती है किसको सिंगुलर बर्ब को किसको रेफर करती है सिंगुलर बर्ब को रेफर करती है तो किसमें हमारा एरर है बी वाले सेक्शन में एरर है हैव की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा हैज आ जाएगा क्या आ जाएगा हैज आ जाएगा दूसरा है हमारा वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सेमूल यानी कि जो हमारे लड़कों में से एक लड़का है जो हमेशा सही क्या देता है सही आंसर देता है कौन है वो सेमुअल है तो इसमें एक पार्ट में एरर है तो वन ऑफ द बॉयज वन ऑफ द बॉयज बिल्कुल सही है भैया ठीक ऑलवेज बिल्कुल सही है भैया सैमुअल बिल्कुल सही है गिव द करेक्ट आंसर बन ऑफ द बॉयज यानी कि उन लड़कों में से एक लड़का एक ही है बन ऑफ द बॉयज यूज हुआ है उन सारे लड़कों में से एक जो सैमुअल है वो सही आंसर देता है तो बर्ब कैसी होगी हमारी बर्ब भी सिंगुलर होगी तो क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा एरर किस में है सी वाले में है गिव जो है वो रिप्लेस होगी किससे इज रिप्लेसड बाई गिफ्ट ठीक है गिफ्ट की जगह क्या आएगा गिफ्ट आएगा नेक्स्ट हैड मास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ स्कूल ये तो बहुत ही ईजी सा है आप समझ गए होंगे देखते ही इसको इसमें कौन सा वाला ए में है बी में है या फिर सी में है या फिर डी में है तो इसमें कौन सा वाला होगा ऑप्शन नंबर ए हेड मास्टर जब किसी विशेष पद या किसी विशेष व्यक्ति को अनुग्रहित किया जाए तो उसके पहले क्या लगता है ऑप्शन ए हेडमास्टर नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्वेंटी नाइन से थर्टी फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड वी शुड गो डूइंग मोर गुड यानी कि हमें अच्छाई ज्यादा करनी चाहिए किससे से. किसी को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए ठीक है तो कौन सा वाला इसमें आएगा ऑन अबब या अबाउट या फिर टू तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अबाउट इज राइट आंसर तीस है हमारा वेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट जब हम लास्ट इवनिंग में घर पहुंचे तब हमने पाया कि जो गेस्ट है वो क्या थे आ चुके थे भैया तो चुके थे क्या होगा हेड आएगा हेड अराइव्ड ठीक है चूज द वन विच कैन बी सब्सिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस ये क्या है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन सेम लोकेलिटी यानी कि लोगों का एक ऐसा समूह जो साथ में रहते हैं एक ही एरिया में तो उनको क्या बोलते हैं भैया उनको पड़ोसी बोलते हैं क्या बोलते हैं पड़ोसी नेबरहुड क्राउड तो भीड़ हो गई खुदी पब्लिक यदि पब्लिक हो गई कम्युनिटी ये तो एक कम्युनिटी तो एक जाति को बोल सकते हैं ना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अव सी लेवल यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है वो सी लेवल से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम एल्टीट्यूड क्या बोलेंगे एल्टीट्यूड ठीक है चलिए

क्या होना चाहिए कोई कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन जो बाकी अथॉरिटी है वो कैसी दिख रही है ड्रैगिंग इट्स फीट ड्रैगिंग इट्स फीट मीन्स अपने पाव को हल्का कर रही है तो उसका क्या हो जाएगा टार्डी और टारेल्यूक्टेंट टू एक्ट यानी कि किसी निर्णय को लेने में देरी करना या फिर किसी निर्णय को टालना यानी प्रयास ही ना करना तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर द प्लेयर्स इस्टोम्ब आउट ऑफ द स्टेडियम आफ्टर ए हॉट हीडेड गेम जो प्लेयर्स हैं खिलाड़ी हैं वो स्टेडियम के बाहर चले गए बहुत ही गर्मा गर्मी होने के बाद इस्टॉम्बड आउट इस्टॉम क्या होता है तूफान होता है तूफान आना या इससे कुछ रिलेट कर पाएंगे हम तो ये क्या होता है कि गुस्से में बाहर चले जाना यानी अपने जो आपको गुस्सा है उसको दिखाते हुए आप किसी जगह को लीव कर दें छोड़ दें तो ये कहाँ चले गए स्टेडियम से बाहर चले गए गुस्से में ही तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंट आउट सोइंग देर एंगर अपना गुस्सा दिखाते हुए बाहर की तरफ चले जाना ठीक है सिलेक्ट द वन विच एक्सप्रेसिस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस यानी कि डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट वर्स ठीक है इसका क्या बनाना है? हमें पैसे बनाना है ये है हमारा द फर्स्ट वर्स वॉज मिस्ड बाई एवरीबडी वॉज द फर्स्ट बस मिस्ड एवरीबडी एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस हेड द फर्स्ट बस बीन मिस्ड बाई एवरीबडी तो देखिए सबसे पहले हम सेंस देखेंगे पहली बात तो ये है कि ये इंटेरोगेटिव है क्या है इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी कौन सा इंटेरोगेटिव में है ये कौन सा टेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का तो ये किसमें बनेगा भैया ये इंडेफिनिट वाला ही बनेगा तो क्या हो जाएगा वो पहले आएगी तो वो आ गई पहले वॉज द फर्स्ट बस मिस्ड बाई एवरी बडी तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही हो जाएगा ठीक है वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे यानी कि हम उन्हें अलाउ नहीं करेंगे वहां से भाग जाने के लिए तो क्या हो जाएगा ए है हमारा दे विल नॉट बी अलाउडिड टू रन अवे वाई बस दे बाउंड दे वुड नॉट बी अलाउड टू रन अवे दे आर नॉट अलाउड टू रन अवे दे वर नॉट अलाउड टू रन अवे वी विल यानी कि भैया फ्यूचर का है निगेटिव है तो क्या बनेगा फ्यूचर में ही बनेगा तो से कोई सा भी फ्यूचर है लेकिन ये प्रेजेंट का है ये वाला है लेकिन ये पास्ट में पहुंच गया तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा और ना ही ये होगा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दे विल नॉट बी अलॉडेड टू रन अवे बाई क्वेश्चन थर्टी सेवन जो आने वाला है वो है सिलेक्ट द वन विच वेस्ट एक्सप्रेसिस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि इसका क्या बनाना है डायरेक्ट में दे रखा है तो हमें इनडायरेक्ट बनाना और इनडायरेक्ट में दे रखा है तो डायरेक्ट में बनाना जॉन सेड आई शैल बी ट्वेंटी वन टमोरो जॉन ने कहा कि मैं जो है वो कल कितने का हो जाऊँगा ट्वेंटी वन का हो जाऊँगा इसका इनडायरेक्ट देखते हैं भैया जॉन सेड दैट ही वुड बी ट्वेंटी वन टमोरो जॉन सेड दैट ही वुड बी ट्वेंटी वन द फॉलोइंग डे जॉन सेड दैट ही शुड बी 21 द फॉलोइंग डे जॉन सेड दैट आई शैल वी 21 टुमारो तो भैया ये रिपोर्टेड जो बर्ब है ये क्या है रिपोर्टेड जो बर्ब है वो किस में भैया ये पास्ट में है तो ये भी किस में होगी पास्ट में होगी और टुमारो का क्या होगा द फॉलोइंग डे तो ये तो होने से रहा ये हो सकता है ये हो सकता है और ये भी होने से रहा अब इन दोनों में से देखना है तो सेल का पास्ट में क्या बनाएंगे हम बुड क्या बनाएंगे वुड तो जॉन सेट दैट ही वुड बी ट्वेंटी वन द फॉलोइंग डे ठीक है should क्यों नहीं जो आता है वो हमारा मोरल में आता है मॉरल सब्जेक्ट जहां पर होते हैं जहां पर हमें चाहिए का वक्त निकलता है वहां पर हमें ड्यूटी जहां पर आती है वहां पर हमारा शुड का यूज होता है मैक्सिमम टाइम्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कन्विक्टड लेट मी स्पीक फ्री डी फ्रीली प्लीज यानी कि जो कन्विक्ट है जो दोषी है कन्विक्ट है, उसने मुझ क्या कहा कि लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज कृपया मुझे मुख्य रूप से स्वतंत्रतापूर्वक बोलने दीजिए तो इसका क्या हो जाएगा द कन्विक्ट सजेस्टेड द कन्विक्टिक्वेस्टेड द convict रिक्वेस्टेड या फिर द convict प्रपोज तो क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा हमारा बी वाला क्या हो जाएगा बी वाला द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही मस्ट बी अलाउडेड टू स्पीक फ्रीली क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है किसमें असर्टिव में इंट्रोगेटिव को किसमें करना है असर्टिव में कैन एनी बडी बी सच एन इंसल्ट क्या कोई इस तरह की जो बेजती है वो सह सकता है तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नो बडी कैन बी बीयर सच एन इंसल्ट देयर इज नो वन हु कैन हुए सच एंड इंसल्ट तो इसमें ये तो होगा नहीं क्योंकि ये देर से शुरू नहीं होगा एनी वन कैन बियर सच एंड इंसल्ट तो एनी बडी जो इंटरोगेटिव में है अगर उसको असर्टिव में बनाते हैं असर्टिव कितने तरीके के होते हैं असर्टिव हमारे दो होते हैं कितने होते हैं दो एक तो होता है हमारा अफर्मेटिव कौन सा होता है अफर्मेटिव और एक होता है हमारा निगेटिव क्या होता है नेगेटिव तो एनी वन एनी बडी ये भी नहीं होगा ठीक हु विल हु से तो शुरुआत ही नहीं होगा तो क्या होगा नेगेटिव सेंस में बनेगा कि नो बडी कैन बियर सच एन इंसल्ट यानी कि कोई भी ऐसी बेजती जो है वो नहीं सह सकता ठीक है कौन सा वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल यानी कि ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है सेंटेंस हमें और इसको किस में बनाना हमें सिंपल में आफ्टर हैड लर्नड हिज लेसन ही वेंट आउट टू प्ले यानी कि अपना लेसन जो याद करने के बाद वह खेलने के लिए बाहर चला गया तो क्या बनेगा इसका हैविंग लर्नड हिज लेसन ही वेंट आउट टू प्ले कौन सा वाला हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा चलिए अब जो है हमारे पैसेज आ गए क्या आ गए पैसेज आ गए फोर्टी वन से फोर्टी फाइव जो क्वेश्चन हैं वो फॉलोइंग पैसेज से होंगे और आंसर द क्वेश्चन ठीक है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लें पहला क्वेश्चन है हमारा अ ह्यूमन एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द सुपरवाइजर टुवर्ड्स हिज स्टाफ इज नेसेसरी टू A human on the part of the जो सुपरवाइजर होता है जो किसी भी कंपनी जो वर्कर्स जिसके अंडर में काम करते हैं उसका अपने स्टाफ के प्रति कैसा स्वभाव होना चाहिए ऐसा स्वभाव होना चाहिए गेट दे से काम निकलवाने का कीप देम हैप्पी उनको खुश करने का या हैव ए कनिंग एटमोस्फेयर एट वर्क प्लेस एक काम करने वाला वातावरण बनाए उस वर्क प्लेस पर या फिर गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम उनमें से उनका सर्वश्रेष्ठ निकाले तो कौन सा वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि एक सुपरवाइजर जो होता है उसका काम होता है मोटिवेट करके किसी भी जो वर्कर्स हैं अपने उनसे बेस्ट निकलवाना अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करवाना नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मेक आ वर्कर यानी कि जो जिम्मेदारी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है मेक आ वर्कर वर्कर को कैसा बनाती है शर्क properly, हिज ड्यूटीज टू डू हिज जॉब प्रॉपरली टेंस एंड फ्रेडेंट या वेलोनरेबल बिफोर हिज सुपरवाइजर उसके सुपरवाइजर के आगे उसको महत्ता दिलाती है या फिर आलसी बनाती है उलझा हुआ बनाती है या फिर डू हिज जॉब प्रॉपरली जब वो कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से काम करता है तो अपने जो कार्य को है वो कुछ कैसा करता है प्रॉपरली तरीके से करता है तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुपरवाइजर डू नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू दियर सब ऑर्डिनेट बिकॉज

द बेस्ट वे इज़ टू सेटिस्फाई द दिस नीड एज फार पॉसिबल ही मस्ट फील फर्स्टली दैट हिज वर्क इज मीनिंग फुल उसका काम जो है कैसा है काम करने लायक है एक अर्थपूर्ण काम कर रहा है वो टू डू दिस द सुपरवाइजर मस्ट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिमिटेड अथॉरिटी फॉर द मैन टू एग्जीक्यूट हिज जॉब बेल द सबॉर्डिनेट मस्ट भी प्रॉपरली ट्रेंड टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो सबॉर्डिनेट हैं जो उसके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं वो कैसे होने चाहिए ट्रेंड होनी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से समझ पाएं Delegating अकाउंटेबिलिटी गिवस द वर्कर आ पर्पज इन लाइफ एंड द नीड टू डू a जॉब well. मोस्ट important इज टू सिट विद ईच वर्कर एंड चाक आउट कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड एग्रीड नॉर्म्स टू अचीव दैम दिस gives वर्कर a सिक्योरिटी टू वट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दैम ठीक है तो क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन है कि सुपरवाइजर्स डू नॉट डेलीग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू देयर सबॉर्डिनेट्स बिकॉज सुपरवाइजर्स को जो है वो डेलीगेट नहीं करना चाहिए उन पर अपनी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए या फिर अथॉरिटी नहीं डालनी चाहिए टू देयर सब सबऑर्डिनेट्स उनके जो नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि सबऑर्डिनेट्स आर नॉट नॉट कैपेबल इनफ क्या सबऑर्डिनेट सक्षम नहीं है इसलिए दे कैंट ट्रस्ट देयर सबऑर्डिनेट्स या फिर सुपरवाइजर को अपने सबऑर्डिनेट्स पर ट्रस्ट नहीं है दे आर कैसे दे आर एप्रीहेंसिव यानी कि उन्हें भय लगा रहता है ऑफ लूजिंग देयर होल्ड ऑन द प्लेस ऑफ वर्क क्योंकि उन्हें ऐसा फिर लगेगा जब आप उन पर प्रेशर डालेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके जो काम करने का तरीका है या जो वो काम कर रहे हैं काम करने का स्थान है वो क्या है खतरे में है उससे वो क्या हो जाएंगे भयभीत तो हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरियनटेशन ऑफ सवोर्डिनेट्स ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड हाउ टू अचीव दम यानी कि उन्मुक्ता जो है ऑफ सबोर्डिनेट्स ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव हाउ टू अचीव दैम यानी कि उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट आ मस्ट नॉट एट ऑल नेसेसरी या ऑप्शनल तो उनके लिए सबोर्डिनेट्स के लिए ऑरियंटेशन जो है अचीव करना क्या है आ मस्ट यानी कि नेसेसरी है भैया क्या है है, है? Next question है, ठीक सबसे अच्छा यानी कि हमें प्रेरणा देने वाला कौन है अ गुड सुपरवाइजर अ गुड इन्वायरमेंट अस ऑफ सिक्योरिटी या फिर फुलफिलमेंट ऑफ पर्पज तो क्या है अ गुड इनवायरमेंट वहां का जो जैस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार का वही सबसे अच्छा जो हमारा मोटिवेटर होगा यानी कि एक दोस्त को देख ही जब एक दोस्त पढ़ रहा होगा तो दूसरा दोस्त भी उस पढ़ने का प्रयास करेगा उसके साथ ही बैठेगा ठीक है तो जैसा जिस जगह का वातावरण होता है वैसा ही वहाँ पर माहौल बन जाता है ठीक है रीड द फॉलोइंग पैसेज ठीक है फिर से पैसेज आ गया नेक्स्ट हमारा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज से संबंधित है ये ठीक है तो पहले क्वेश्चन देख लें क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू दिस यानी अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज नीडेड टू यानी कि इस पैसेज के अनुसार जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी इज नीडेड टू इसकी जरूरत है किसके लिए कंट्रोल वंस ब्लड प्रेशर लूज वंस वेट इंप्रूव वंस कॉग्निटिव स्किल्स या इंप्रूव वंस फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिजिकली ही नहीं मेंटली भी अच्छे होते जाते हैं तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखिए पीछे देख रखा है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड्स न्यूमरियस हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम लीनर बॉडीज एंड लोअर ब्लड प्रेशर टू इंप्रूव मेंटल हेल्थ एंड कॉन्क्टिव फंक्शनिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ऑर्डर टू टोन अप द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन ऑर्डर टू टोन अप द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इट शुड बी मेड कम्पल्सरी एट स्कूल इसको कम्पल्सरी कर देना चाहिए स्कूल में एंड एससमेंट ऑफ एक्साइटिंग प्रोग्राम शुड बी मेड यानी कि लास्ट तक इसको करवा देना चाहिए अ कमिटी शुड बी सेटअप इन एवरी स्कूल इसके लिए एक कमिटी होनी चाहिए हर स्कूल में या फिर द प्रोग्राम शुड बी रीओरिएंटेड एंड इम्पलेंट इम्प्लीमेंटेड तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो प्रोग्राम को है इसको दोबारा से बार बार करवाया जाए और इंप्लीमेंटेड हो कैसा हो कार्यान्वित कार्य करने वाला अड़तालीसवा क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेल्थ एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग यानी कि किस चीज को पढ़ाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसका कौन सी एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन सोशल साइंस लिबरल आर्ट्स एनी सब्जेक्ट या फिर नेचुरल साइंसिस तो क्या हो जाएगा एनी सब्जेक्ट्स यानी कि अमेरिकन के अनुसार एनी सब्जेक्ट यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले महत्ता दी जाए किसको हेल्थ एजुकेशन को ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ऑथर वॉन्ट्स टू री ऑरिएटेड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम टू बी यानी कि ऑथर चाहता है कि जो रीओरिएंटेड पूर्ण जो फिजिकल एजुकेशन है वो होना चाहिए कैसी इंक्रीज मिनिमम सर्कुलम टाइम या वेरी कॉम्प्रीहेंसिव या रिलीवेंट टू मॉडर्न सोसाइटी या फिर थाुल तो कैसी होनी चाहिए ये होनी चाहिए वेरी कॉम्प्रीहेंसिव कैसी होनी चाहिए वेरी कॉम्प्रीहेंसिव यानी कि नेसेसरी कर दी जाए सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि इम्प्रूव करने के लिए फ़िजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए अलॉट मोर टाइम टू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी अधिक से अधिक टाइम दें टीचिंग पढ़ाने में और सिखाने में फ़िज़िकल एक्टिविटी डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ टू बी टाउट या फिर एम्प्लॉय क्वालिफाइड इंस्ट्रक्चर्स और डिक्रीज द टीचिंग लोड ऑफ इंस्ट्रक्टर्स ठीक है तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा ए ठीक है कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम देना चाहिए किसको टीचिंग और लर्निंग पढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज को ठीक है तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट हो गया पूरा ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आज मैंने आपको ये दूसरा प्रैक्टिस सेट करवा दिया है ठीक है तो जुड़े रहिए हमारे साथ और डेली का डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा कराया जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में